الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समईन मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। या अली मदद अलैहि सल्लतु व सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस मौजू पे हम इन प्यारे प्यारे बच्चों से गुफ्तगू करने लगे हैं वो है कुरानी मौजू। आज हम अपने इन प्यारे बच्चों को, इन बेटों और बेटियों को बताएंगे कुरान के बारे में बहुत ही अहम और अच्छी अच्छी मालूमात। सबसे पहले हम अपनी बेटियों और बेटों को बताते हैं कि कुरान के अंदर जो टोटल पारे हैं, जो अज्जा हैं कुरान के, जो हिस्से हैं वो 30 हैं। ठीक है, कितने के हिस्से हैं? 30 हैं। यानी हिस्सा कहें आप, पारा कहें, हिस्सा कहें या पारा कहें या जुज कहें, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 30। कुछ लोग जुज कहते हैं, कुछ लोग पारा कहते हैं, कुछ लोग हिस्सा कहते हैं। अगर पारा कहा जाए तो कुरान के पारे कितने हैं? 30 पारे हैं कुरान के। कितने पारे हैं? 30। शाबाश। और इसके बाद अगर कोई ये पूछे कि जब कुरान के पारे 30 हैं तो फिर कुरान के अंदर सूरे कितने हैं, कुरान की मुकम्मल सूरतें कितनी हैं, यानी कुरानी सूरतें कितनी हैं, तो जवाब होगा 114। कितनी है? 114। कितनी है? 114। तो कुरानी पारे कितने हैं? पुरानी पारे कितने हैं? 30। और कुरान के अंदर जो सूरतें हैं वो टोटल सूरतें कितनी हैं? 114। शाबाश। कुरानी पारे हैं 30 और कुरान के अंदर जो सूरे हैं वो कितने हैं? 114। शाबाश। कितने हैं? 114। वेरी गुड। अच्छा, कुरान में हर सूरा से पहले बिस्मिल्लाह लिखी होती है। क्या होता है? बिस्मिल्लाह लिखी होती है हर सूरा के अंदर। लेकिन एक कुरानी ऐसा सूरा है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। एक ऐसे ही सूरा है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। उस सूरे का नाम है सूरह तौबा। क्या है? सूरह तौबा। सूरह तौबा, उसे सूरह बरात भी कहते हैं और सूरह तौबा भी कहते हैं। अब बताएं कि जब कुरान की हर सूरत के आगाज में है बिस्मिल्लाह, ठीक है, और टोटल सूरतें कितनी बताई है चाचू ने? 114। और एक ऐसी सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो आप फिर कितनी बिस्मिल्लाह होनी चाहिए कुरान के अंदर? 113। शाबाश। हरमैन ज़ारा बता रही है क्योंकि कुरान की हर सूरा के साथ बिस्मिल्लाह है लेकिन एक ऐसा सूरा है जिसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं है, तो अगर उससे हम निकाल दें तो कितनी बिस्मिल्लाह हो जाएंगी? 113। तो अब कुरान की सूरा 114 थी, एक में बिस्मिल्लाह नहीं थी, तो टोटल बिस्मिल्लाह कितनी हो जाएंगी? 113। लेकिन प्यारे बच्चों, कुरान का एक ऐसा सूरा है जिसके अंदर दो दफा बिस्मिल्लाह आई है। क्या आई है? दो दफा बिस्मिल्लाह आई है। आप बताएं कुरान के अंदर टोटल बिस्मिल्लाह कितनी हो गई? 114। अगर एक सूरा में बिस्मिल्लाह नहीं है तो उसके बदले में क्या हमने देखा और हमने, हमें क्या पता चला कि एक ऐसी कुरान की सूरत है जिसके अंदर दो दफा बिस्मिल्लाह।
शाबाश। तो अब कुरान की कुल सूरतें भी 114 हो गई और कुरान के अंदर बिस्मिल्लाह का जिक्र भी 114 शाबाश 114 दफा हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो आपने मम्मा पापा से पूछना है, और वो ये है कि वो कुरान की कौन सी सूरत है जिसके अंदर 2 दफा बिस्मिल्लाह आई है। ओके चाचू कल पूछेंगे आप लोगों से कि बेटा बताइए कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर 2 दफा बिस्मिल्लाह है। तो प्यारे बच्चों आपने भी अपने मम्मा और पापा से पूछना है कि जब कुरान के अंदर हर सूरा के साथ बिस्मिल्लाह है और एक ऐसी सूरा जिसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं है, उसका नाम बताया सूरह तौबा, सूरह बरात भी कहा जाता है उसको, लेकिन वो कौन सी सूरा है कि जिसके अंदर 2 दफा बिस्मिल्लाह आई है। इसे आपने भी याद करना है और ये भी याद रखना है कि कुरान के अंदर कुल पारे, ये कुल अज्जा 30 हैं, सूरे कुरान के 114 हैं और बिस्मिल्लाह का जिक्र भी कुरान में 114 दफा आया है। जिस सूरा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है वो सूरह तौबा है, और एक ऐसी सूरा है जिसके अंदर 2 दफा बिस्मिल्लाह आई है, वो नाम याद करना है आपने। और ये बच्चे पूछेंगे अपने अपने मामा और बाबा से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और प्यारे प्यारे बच्चों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।